वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रेलवे गार्डन अपना खड़गपुर का, ठीक है ना। तो हम और मेरा फ्रेंड अरवाज आए हैं, तो देखते हैं अंदर। मैं रेलवे गार्डन तो बहुत बार आ चुका हूँ, इस बार भी आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। हर बार आया हूँ, कभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, इस बार वीडियो शूट करेंगे, ब्लॉग चलेगा। तो कमेंट आया था रेलवे गार्डन का ब्लॉग चाहिए, ठीक है। आ चुका हूँ वीडियो बनाने, तो आप लोग प्यार देना चालू कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पूरा वॉच करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। चलो अंदर चलते हैं। झूठ बोल रहा है। हम लोग आ चुके हैं रेलवे गार्डन के अंदर, ठीक है ना। आप लोगों को अंदर आने का शॉट तो दिखाई दिया है इसने। तो मेरा कैमरा जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि पीछे है सन और आगे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए, ठीक है ना। सनराइज आ रहा है, सन का जो लाइट है वो पड़ रहा है अपना कैमरा में, तो कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो गाइस हम बताते हैं अपना रेलवे गार्डन का, अपना बहुत दिन का ही रिलेशन है रेलवे गार्डन के साथ, बहुत पुराना। जब मैं छोटा था 5-6 साल करीब, तब से रिलेशन है, रेलवे गार्डन आया जहाँ चलता रहता है। रेलवे गार्डन को हम लोग अपने आँख के पास ही देखे हैं चेंज होते हुए फुली, ठीक है ना। तो रेलवे गार्डन पहला ऐसा नहीं था, पहला थोड़ा छोटा था। अभी रेलवे गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मस्त प्लेस है, खास करके बच्चों को घुमाने के लिए, खेलने के लिए। इधर बहुत सारा इक्विपमेंट्स दिया गया है, झूलना बोलते हो जो बोलते हो सब इधर है। थोड़ा बहुत खेलने का सामान बच्चा लोग का रहता ही है। और अपना रेलवे गार्डन का एंट्री में घुसते साथ ही जो है वो आप लोग को दिख ही रहा है पीछे, बड़ा सा एक रोड लंबा सा। तो चलो अब इस रोड में हम लोग चलते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं रेलवे गार्डन आया था, बट ये वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो ये देखो इस गधे को, हम लोग रेलवे गार्डन के बारे में और भी बात करेंगे। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पीछे में ही जो है पॉन्ड यानी स्विमिंग पूल टाइप का, ठीक है ना। है तो नहीं स्विमिंग पूल हो, ठीक है, स्विमिंग पूल तो कोई कहीं से भी नहीं लगता है, पोकर टाइप का पॉन्ड बोल सकते हो आप लोग। उसमें बोर्डिंग वोडिंग चलता है और हमारे सामने कुछ दिख रहा है, सब पॉन्ड टाइप का है और कुछ नहीं। तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे अंदर रेलवे गार्डन में। अभी पहले तो रेलवे गार्डन के अंदर ही ट्रेन जो था वो चलता था, टॉय ट्रेन, बट अभी चलता है या नहीं क्या पता, पता नहीं है हम लोग को चलता है या नहीं। चलेगा तो अच्छा है, बैठेंगे भी इंजॉय भी करेंगे, अगर नहीं चला तो नॉर्मली वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और चलो कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग इग्नोर करो उसको, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आगे वीडियो में और भी उस। रेलवे गार्डन के एक ऐसा जगह पे खड़ा है जहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा सजाया गया है, डेकोरेशन वहाँ रहता है, तो जिसका नाम है भोला गांव। तो हम लोग वहाँ अंदर जाने का कोशिश करेंगे। हम लोग का टिकट्स पहले से बुक था, अगर बुक करना पड़ेगा तो फिर से बुक करेंगे। यहाँ का टिकट ज़्यादा नहीं, ओनली 20 रुपीज़ होता है। टिकट्स हम लोग पहले ही बुक करके रखे थे, अगर वो चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो फिर से टिकट बुक करेंगे।
तो चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बोर्डिंग भी होता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, पीछे बोर्डिंग भी चलेगा पॉइंट में। और इधर पे टिकट काउंटर आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, ये रहा अपना टिकट काउंटर जहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही 20 रुपीज़ टिकट। तो यहाँ एंट्री होने का भी टिकट लगता है, ये है इसका गेट। हम लोग अंदर जाने का कोशिश करते हैं, चलो वीडियो में मिलते हैं आगे अंदर घुसने के बाद। तो फाइनली यहाँ पे कुछ बग्स है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ शोर कर रहा है। हम लोग का टिकट पहले से बुक था, फिर भी हम लोग को हाफ टिकट का पैसा देना पड़ा कुछ रीज़न से, कोई बात नहीं हाफ दिया हूँ, ठीक है ना। तो चलो क्या भोला गांव है वहाँ घूम के देखते हैं कैसा लगता है अपना भोला गांव, चलो घूमते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग पीछे ही, हम लोग का थीम विलेज गोला गांव लिखा हुआ है। तो चलो घुसते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है अपना रेलवे गार्डन के अंदर का गोला गांव, ठीक है ना। तो घुसते ही हम लोग यहाँ पर दिखते हैं सबसे पहला है कुछ डाकघर टाइप का, पोस्ट ऑफिस डाकघर टाइप का। उसके बाद यहाँ पे केला खाचा, किसको केला खाना है तो यहाँ आके चोरी कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे चाय का दुकान दिखता है और के बनाना ट्रीज यहाँ पे भरती है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ दावा खाना लिखा हुआ है बट चीज़ क्या है घर टाइप का लग रहा है पता नहीं है। और यहाँ पे घोड़ गाड़ी रखा हुआ है। तो हम लोग नॉर्मली वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, तबीयत मेरा ठीक नहीं है ज़्यादा, इसीलिए ज़ोर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे ही बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं रहता है, ठीक है ना, रेलवे गार्डन है ये, तो इसीलिए धीरे ही बात कर रहा हूँ, चल जाएगा। तो हम लोग और भी बढ़ते हैं वीडियो में आगे स्पीड में, क्योंकि टाइम हो जाएगा, ज़्यादा देर रह नहीं सकता हम लोग। यहाँ पे रेलवे गार्डन का टाइम है 5:30 बजे तक, यहाँ 5:30 बजे तक हम लोग रह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देख ही सकते हो जो मैं पोखर यानी पॉइंट का बात कर रहा था, ये है वो, जो स्विमिंग पूल तो कतई ही नहीं है, कोई कीमत में स्विमिंग पूल नहीं है ये, ठीक है ना, पॉइंटी कह सकते हो एक तरह से। और हम लोग यहाँ पे जो है एक ब्रिज है, तो हम लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे, चलो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। क्या कर रहा है भाई, चोरी वोरी करने जा रहा है क्या? चेक कर रहा है क्या अंदर कोई है या नहीं? राग भी है अंदर। ये देख तेरी मौसी। अरे डीजे की सास। अबे भाई बिल्ला।
खुला गांव के अंदर, हम लोग विलेज के अंदर हैं एकदम। यहाँ कुछ सिबलिंग टाइप का रखा हुआ है, पहाड़ टाइप का उठा के थीम बनाया हुआ है, ठीक है ना। और इधर घर है और डीजे की सास उधर बैठ के है, ठीक है, इसकी सास उधर बैठ के है। और बच्चे लोग को इधर लेके आ सकते हो आप लोग, थोड़ा देख कर आना क्योंकि लवर्स लोग भी इधर घूमते रहते हैं, तो थोड़ा देख कर, ठीक है, आना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइप में रहना, ठीक है, क्योंकि ये पे एंड यूज़ टाइप का जगह है। तो हम लोग यहाँ आया हैं, पैसे देकर वसूल कर चुके हैं वीडियो बनाकर, तो इस साइड हम लोग दिखा दिए हैं, उस साइड में बैठने का जगह है, उधर और नहीं जाएंगे। जाएगा क्या उधर और? इस साइड नहीं जाना, बेटर है, जाके कोई फ़ायदा नहीं, उधर खाली बैठने का जगह है। तो हम लोग चलो और भी रेलवे गार्डन में जो जो है वो हम लोग दिखाते हैं। और गोला गाँव के अंदर खास करके लवर्स आ सकते हैं और बच्चों को भी लायक यहाँ का थीम दिखाए, ठीक है ना। और गोला गाँव के अंदर मस्त इधर पोकर है, पोकर के साइड में बैठ के आप लोग बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं रेलवे गार्डन में और क्या क्या है आप लोग। तो गाइज हम लोग गोला गाँव से जो है अब निकल रहे हैं रेलवे गार्डन के अंदर, और भी क्या क्या है आप लोग को दिखाते हैं घूम के वहाँ से, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी है, आप लोग चाहने से बोर्डिंग भी कर सकते हैं, देख लो बोर्ड रखा हुआ है पीछे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ प्यारे डक्स हैं, डक्स हाउस मेरे पीछे दे सकते हैं आप लोग, डक्स हाउस। तो हम लोग गोला गाँव के उधर से निकल चुके हैं यहाँ पे रेलवे गार्डन पे। यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ आप पानी उनी पी सकते हो, और अभी हम जहाँ हैं मेरे पीछे ही है एक हाउस जिसके अंदर रैबिट्स रहते हैं, क्यूट क्यूट, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी रैबिट है या नहीं अंदर, आप लोगों को दिखाता हूँ रैबिट है या नहीं, ठीक है। और एक रैबिट जो मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पे अंकल कुछ काम कर रहे हैं पेड़ उड़ का, यहाँ पेड़ लगाया जा रहा है। शायद आप लोगों को कैमरा में बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे ही है सूरज, ठीक है ना, चंदा नहीं सूरज है। तो और मस्त व्यू है रेलवे गार्डन का अभी, क्योंकि कितना बज रहा है, 3:30 बजे करीब का भी वक्त है। तो और यहाँ पे गुलाब का गाछ सब है, रोज ट्रीज, बट एक पे भी गुलाब नहीं है, मतलब ठंड आने वाला है ना, तो गुलाब सब मर गया है। तो अब लग जाएगा गुलाब का न्यू पेड़ कुछ दिन बाद ही। तो गुलाब यहाँ से आप तोड़ तो नहीं सकते, फाइन लग जाता है अगर गुलाब में आप हाथ भी दिए तो। बट छोटे जब था, जब मैं छोटा था तब तो मैं रेलवे गार्डन में आके बहुत बार गुलाब चोरी कर रहा हूँ, गुलाब क्या, गुलाब तोड़ के लेके घर भी गया हूँ बहुत। अभी मेरे दोस्त की तरह दिखने वाला एक सवान जो है इधर दिख चुका है, ठीक है ना, इसका तरह दिखता है जो मेरे पीछे ही है, एकदम मेरे पीछे ही, आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखो आप लोग को दिख ही रहा होगा, ठीक है, जिसके तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वो तो सभी कहता है लेकिन दिखता तो उसी की तरह है, ठीक है ना, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो मैं लंबा नहीं हूँ, लंबा होने से नहीं होता यार सब कुछ। तो यहाँ का अब लोग का ट्रेन जो रेलवे गार्डन के अंदर का जो रेलवे स्टेशन है वो अभी क्लोज्ड है क्योंकि ट्रेन यहाँ पे नहीं है। तो कुछ दिन पहले भी आया था, क्लोज था, बट उससे पहले जब आया था तब ऑन था, एंजॉय भी किया तब, अभी सॉरी नहीं है, नहीं दिखा सकता, जब रहेगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। ये हाथी मेरे साथी जो रेलवे का
Hey guys, नसीब अच्छा है, ठीक है ना? आपको यहाँ का ट्रेन जो है खोज के मिल गया है, तो ये रहा यहाँ का ट्रेन। ट्रेन अभी पीछे से गोल, यानी कि लेके चल के ट्रेन, ठीक है ना? ट्रेन चल रहा है बट ट्रेन को भी क्लोज है, ठीक है ना? तो ऑफ है ट्रेन। अगर चलता तो बैठ के दिखाता भी आप लोगों को कैसा है, और टिकट काउंटर भी क्लोज है, मैं बात किया, बट ट्रेन बंद रहेगा अभी कुछ दिन तक। तो हम लोग अब यहाँ का पीछे का तो आप लोग को व्यूज दिखा दिया हूँ, अब मैं अंदर यानी कि बीच का जो है वहाँ का व्यूज आप लोग को दिखाता हूँ। चलो, बीच में जाते जाते ही रास्ता पे जो गिरता है वो है गुलाब का बगीचा। तो मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ गुलाब के बगीचे के यहाँ का जो रास्ता है वहाँ पे। तो आप लोगों को मैं एक गुलाब दिखाता हूँ फोकस करके, देखो बहुत ही क्यूट सा एक मस्त सा गुलाब है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि गुलाब का वीडियो कैसा बना, ठीक है? वहाँ भी जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोग को जो दिखाने वाला हूँ वो है ये अपना खड़गपुर का नेम साइन बोर्ड। तो बहुत ही फेमस है, अपना बीएनआर गार्डन में जो भी आता है यहाँ तो ज़रूर पिक उठाता ही है। और अभी यहाँ पे जो है पीछे पानी वानी देने का काम चल रहा है, और मेरे पीछे है एक मयूर यानी कि पीकॉक जो मेटल का बना हुआ है पूरा ही, ठीक है ना? और हम लोग जब जिस जगह पे अभी है उसको कहते हैं खड़गपुर साइन बोर्ड, जो बीएनआर गार्डन पे लगा हुआ है। आप लोग खड़गपुर में अगर रहते हो तो ज़रूर आए हो और ज़रूर देखे हो, और इतना तो मैं कह सकता हूँ इसके सामने खड़े होकर फ़ोटो भी ज़रूर उठाए हो अगर खड़गपुर में रहते हो तो। तो हम लोग यहाँ फ़ोटो वोटो उठा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को और भी जो है यहाँ का पीछे का व्यू वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। फ़ोटो वीडियो के थंबनेल के लिए वहाँ का फ़ोटो मैं उठा चुका हूँ, तो अब दिखाता हूँ आप लोग को इस साइड इनसाइड का व्यूज जहाँ पे गौतम बुद्ध का स्टैचू रखा हुआ है, और वहाँ पे कुछ फुहारा टाइप का भी है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो, पीछे में बात नहीं किया मैं क्योंकि वहाँ की आंटियाँ कचर कचर कर रहे हैं तो परेशानी होता है, इसलिए बात नहीं किया। पीछे ही अपना गौतम बुद्ध का जो स्टैचू है वो रखा हुआ है, और हम लोग अभी जहाँ हैं यहाँ पे कुछ पेड़ लगा हुआ है, मस्त लग रहा है। बीच में हूँ, आज अच्छा खासा ही भीड़ है रेलवे गार्डन में। तो हम लोग टोटली घूम चुके हैं, आप लोग को और एक चीज़ दिखाता हूँ जो अभी ऑफ है। सब ऑफ ही है यार, सब ऑफ ही है, उधर ट्रेन बंद है, इधर ये भी ऑफ है, बहुत कुछ ऑफ है बट ऑन रहता है, ठीक है ना? आप लोग आओ यहाँ, इन्जॉय तो बहुत होता है। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, मैं इसको पूछ रहा था खेलेगा क्या, बोल रहा नहीं नहीं खेलेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा। तो
पीछे का अभी कुछ व्यूज इंट्रो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ अगर रील्स बनाना आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यूट्यूब में हो, न्यू हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, रेलवे गार्डन में आ सकते हो बेझिझक। यहाँ पे वीडियो बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग जो चाहे कर सकते हो वीडियो फोटोग्राफी। रेलवे गार्डन जिसका ओरिजिनल नेम BNR गार्डन है, तो खड़गपुर में है, आप लोग आ सकते हो। और यहाँ पे आने के लिए आप लोग अगर बाहर से हो तो सबसे शॉर्ट है आप खड़गपुर स्टेशन आओ। खड़गपुर स्टेशन आके वहाँ से टोटो पकड़ो या कुछ भी, पैदल भी आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता। अगर नहीं आ सकते हो, पता नहीं है तुमको, तो टोटो पकड़ो, वहाँ से 10 रुपया लेता है, आराम से आओ। वहाँ टोटो वालों को बोलो रेलवे गार्डन जाना है, वो ला के छोड़ देगा। और अगर अपने खड़गपुर के हो तो पता ही होगा रेलवे गार्डन किधर है। ऐसा कोई अगर हो कि खड़गपुर के हो, आपको पता नहीं है रेलवे गार्डन किधर है, कैसे आना है, तो रेलवे गार्डन है बोगदा 7 नंबर की तरफ से, उधर से मैं आया हूँ। बट अगर आप लोग उस साइड के हो, रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड के साइड के, तो वानीपुर बस स्टैंड गोल बाजार उस साइड के हो, तो आप लोग वहाँ से 7 नंबर भंडारी चौक होके 7 नंबर वर्ड से आ सकते हो, 7 नंबर ब्रिज होके। और अगर तुम लोग इधर के हो इंदा के, तो फिर पुराना बाजार होके आराम से आ सकते हो सीधा। और अगर IIT साइड के हो तो फिर IIT का ब्रिज पार करके सिरसा स्टेडियम के पास ही अपना रेलवे गार्डन पड़ता है, आ जाओ। नॉर्मली घूमो फिरो, एंजॉय करो, बच्चों को लाओ, खुद भी एंजॉय करो, बच्चों को खिलाओ आराम से। और अगर हम उम्र के हो तो फिर आओ, वीडियो बनाओ नॉर्मली, ठीक है ना। तो चलो आप लोगों को व्यूज यहाँ का वीडियो है, बहुत मस्त लग रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आज रेलवे गार्डन आके टोटली मज़ा आया, और मैं मज़ा की क्या बात करूँ, मज़ा तो मैंने किया ही नहीं, रेलवे गार्डन में बहुत मज़ा होता है। मैंने तो सिर्फ आज वीडियो बनाने के लिए आया था और वीडियो बनाया हूँ, तो रेलवे गार्डन में बहुत ही मज़ा होता है। तुम लोग आओ रेलवे गार्डन में, मज़े करो, इन्जॉय करो। तो वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिसमें तुम लोग को मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे अपना दूसरे वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे यूट्यूब का। और एक बात, कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे सब कमेंट करे थे कि IIT का ब्लॉग बनाओ, बट IIT कैंपस हम लोग जाए, मतलब गए भी और जाकर वहाँ पे वीडियो बनाने का कोशिश भी करे, बट IIT कैंपस के अंदर ब्लॉग या वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल है, चोरी छुपके भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है। तो हम लोग चोरी छुपके भी करने का कोशिश करे थे, सिक्योरिटी रहता है, तो नॉट अलाउड IIT कैंपस के अंदर वीडियो बनाना, ठीक है। इसीलिए IIT का ब्लॉग नहीं आया। आगे अगर कभी बड़ा ब्लॉगर बन जाऊँ तो डायरेक्ट परमिशन लेके IIT कैंपस के अंदर का वीडियो बनाऊँगा। आपको सपोर्ट करना है तो भाई IIT का ही वीडियो पे सपोर्ट करोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहना। खड़गपुर का मोर देन जगह पे मैं जाऊंगा, घूमूंगा, और नेक्स्ट वीडियो का टारगेट मेरा रहेगा मैक्स मॉल, क्योंकि वहाँ का भी कमेंट मेरे पास आ चुका है कि मैक्स मॉल का वीडियो बनाओ, तो ब्लॉग आएगा बहुत जल्दी मैक्स मॉल का भी। तो अभी चलने का कोशिश करूँगा रेलवे गार्डन के बाहर, यानी कि घर के तरफ। तो कैमरा में पीछे तरफ घूमने से कैमरा अंधेरा टाइप का हो जा रहा है, क्योंकि बैक से लाइट आ रहा है, तो ऐसा ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। वीडियो कैसा लगा दिल से सपोर्ट करो यार, और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताओ मुझे। अगर कुछ गलती हुआ है, अगर कुछ मिस हुआ है यहाँ पे, जो तुम लोग को देखना था बट देख नहीं पाए, तो हमको कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे इसको कवर करने का, ठीक है ना। चलो चलो चलते हैं, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखना, और बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।